मैं सनील त्रिपाठी एक्सीलेंस मास्टरमाइंड पे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको मध्य प्रदेश का मानसून बताएंगे। मध्य प्रदेश का मानसून कैसा है, वर्षा कब होती है, वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कम कहाँ पर होती है, ये आज हम इस मैप के माध्यम से आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। अभी कल के लेक्चर में हमारा मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक में से नर्मदा नदी कंप्लीट हुई थी। उसके संपूर्ण फैक्ट आपको एग्जाम रिकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का मानसून है। इस टॉपिक से एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है बच्चों, ये देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये चंबल बेल्ट है, ये आपका होलकर जहां पर आपके इंदौर का बेल्ट है पूरा, और मालवा के पठार, मध्य भारत के पठार में लगभग लगभग वर्षा कितनी होती है बच्चों, 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। मतलब मालवा के पठार को लेकर और मध्य भारत के पठार को मिलाकर समथिंग समथिंग वर्षा, इसमें लगभग लगभग वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की वर्षा यहां पर होती है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये जो क्रॉस का चिन्ह बना है यहां पर हमारा बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इन दोनों पठारों में समथिंग समथिंग सर 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर लगभग लगभग वर्षा यहाँ पर होती है। क्योंकि यहाँ पर 75 और 125 सेंटीमीटर के होने के कारण मतलब लगभग वर्षा यहाँ पर ठीक ठाक होती है, इसीलिए हमारे रीवा पन्ना के पठार में सर्वाधिक फसल आपकी धान होती है, मतलब चावल होती है। और ये जो नीचे का भाग है, जो कुछ एरिया आपका बघेलखंड का पठार है और यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर वर्षा आपकी लगभग 125 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है बच्चों। और बच्चों देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा यहां पर आपका पचमढ़ी है, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी है, ठीक है ना। और पचमढ़ी में वर्षा है आपकी 199 सेंटीमीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग से कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो कहां पर होती है बच्चों, पचमढ़ी पे, जहां पर लगभग 199 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसके बाद बच्चों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे एमपी में जो जलवायु है वह चार जलवायु के आधार पर एमपी को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जलवायु जो की है कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है बच्चों। अब हम आगे फैक्ट की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु। अब बच्चों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, सम जलवायु मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय सम जलवायु। इसको सम जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीनी यात्री फायान यहां पर आया था, मध्य प्रदेश में आया था, तो वो मालवा के पठार में कुछ दिन रुका था, तो यहाँ के मालवा के पठार में उसने देखा कि यहां पर गर्मी के सीजन में कम गर्मी और ठंडी के सीजन में कम ठंडी, तो उसने कहा कि यहां पर मालवा के पठार जो है आपका सम जलवायु पाई जाती। ये एग्जाम में पूछा गया 2015 के पीएससी का क्वेश्चन था कि सम जलवायु की संज्ञा किसने दी है, तो चीनी यात्री फायान ने दिया है। बच्चों यहां पर वर्षा मध्य प्रदेश में वर्षा कहां से होती है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, मतलब दोनों से वर्षा यहां पर होती है। जो भी मानसून आपका अरब सागर से उठता है और बंगाल की खाड़ी से उठता है वह मध्य प्रदेश में वर्षा करवाता है। इसके बाद बच्चों मध्य प्रदेश में वर्षा आप देखते होंगे लगभग लगभग जून में होती है, कब होती है बच्चों, 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। इसके बाद बच्चों प्रथम कहां पर होती है, जब मध्य प्रदेश में जून में होती है वर्षा तो कहीं ना कहीं से पहला मानसून आता होगा, तो भारत में सबसे पहला मानसून, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सबसे पहला मानसून केरल में आता है जो मार्च और अप्रैल के करीब में आता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चों, 112 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पुरानी एग्जामों में, तो आप जो भी फैक्ट है बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में आप। तो औसत वर्षा कितनी है बच्चों, 112 सेंटीमीटर एमपी में है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे फैक्ट की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये,
मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला जो कहां पर है, इंदौर में। इसका अर्थात बच्चों मौसम से संबंधित जानकारी यही इसी वेधशाला से मिलती है कि वर्षा होती है, कब होगी वर्षा, कितना टेम्परेचर है, हाई है लो है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चों किससे है, इंदौर में ये ऋतु वेधशाला है। इसके बाद बच्चों हम आगे की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है बच्चों, तो कहां पर होती है बच्चों, पचमढ़ी पर होती है जो होशंगाबाद में है, ठीक है ना। और जब यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों तो कहीं ना कहीं कम भी वर्षा होती होगी, तो कम वर्षा है आपकी गोहद, जो गोहद कहां पर है बच्चों, भिंड में है, लगभग लगभग यहां पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके आगे की ओर हम चलते हैं। सर्वाधिक तापमान, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर पाया गया है बच्चों, गंज बसोदा, क्योंकि आज जो भी बुक में पढ़ेंगे तो गंज बसोदा में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो छतरपुर में भी पाया गया है, खजुराहो में भी पाया गया है, लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है अभी, गंज बसोदा जो कहां पर है बच्चों, विदिशा जिला में है, ठीक है बच्चों। और जो सर्वाधिक तापमान विदिशा जिला में है बच्चों, तो कम तापमान भी कहीं ना कहीं होगा, तो कम तापमान आपका शिवपुरी में आका गया है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की ओर चलते हैं बच्चों। जो हमारा जलवायु है, हमारा मानसून है, ठीक है ना, ऋतुएं हैं, ये 3 प्रकार की होती है मध्य प्रदेश में। ऋतुएं कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की बच्चों, एक ग्रीष्मकाल, ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु, ठीक है बच्चों, एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु, ठीक है ना। शीत ऋतु में आप देखते होंगे जब ठंडी में वर्षा होती है, कभी कभी, पहली बात होती नहीं है, जब कभी वर्षा होती है तो शीत ऋतु में वर्षा होने पर उसे क्या कहा जाता है बच्चों, मावठ कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कि जब शीत ऋतु में मतलब ठंडी में विंटर सीजन में वर्षा होती है बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। अब हम आगे फैक्ट की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, जो यहां पर जो जलवायु है वह कर्क रेखा, कर्क रेखा पर, मध्य प्रदेश आपका किस रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा, भारत आपका किस रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है आपके मानसून, क्योंकि सूर्य यहां पर क्या आता है, कर्क रेखा पर सूर्य आता है, इसीलिए यहां पर टेम्परेचर हाई होता है। इसके बाद बच्चों हम आगे की ओर चल रहे हैं। ये संपूर्ण आपका मैप है, आपके जितने भी फैक्ट हैं आप इनको सबको नोट डाउन कर लीजिए, और आने वाले एग्जाम में इनसे ही फैक्ट पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर उठा कर देख लीजिए, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, पीएससी का पेपर हो या फिर एसआई का पेपर हो, ये मध्य प्रदेश की मानसून से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आने वाले एग्जाम में कांस्टेबल का पेपर है, मार्च में पेपर है कांस्टेबल का, तो आप अपनी सफलता स्टार्ट करिए, ठीक है ना। और संपूर्ण तैयारी आप बहुत ईमानदारी से कीजिए कि आने वाली एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, वो आपके सफलता के, आप उसके क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए, धन्यवाद। और एक चीज और बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश जो एमपी में वर्षा होती है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया बच्चों, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहां से होती है बच्चे, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण का नाम याद करिए तो दक्षिण में क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम मतलब अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है बच्चों। जितने भी फैक्ट हैं आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, बार बार वीडियो को देख लीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम इसी तरह आपको आगे अनेक अनेक टॉपिक में वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी पूर्णता हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।